गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास टू। बच्चों, मैंने कल आपको साइंस का जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 का व्हाट्सएप पे डाला था, बहुत बच्चों ने याद किया है और बहुत बच्चों ने फेयर कॉपी में भी उसको बना के ग्रुप में डाला है। मैंने कल आपको 13 क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप पे डाला था और आज उसके बाद जो मैंने कल भी कहा था कि और भी इसमें क्वेश्चंस बनने बाकी हैं, वो मैंने आपके लिए बनाया है और मैंने पोस्ट भी कर दिया है। ये वीडियो तो बाद में जा रहा है, पोस्टिंग पहले हो गई है। तो मैंने इसके बाद 12 क्वेश्चन और भी मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। पहले कल था 13, आज है 12, 13 + 12 = 25। तो क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या है, व्हाट इज कैमल्स हम, ऊँट की कुबर क्या है, ऊँट का कुबर क्या है, क्या है वो। The camel's hump is on its back in which certain kind of food is stored। कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था और परसों भी बताया था कि ऊँट के पीठ जो होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, ऐसे होता है, जिसे हम कूबर कहते हैं, और उसी कूबर में खास किस्म का खाना मौजूद होता है। जब ऊँट को रेगिस्तान में खाना नहीं मिलता है, वो महीनों तक खाना की किल्लत में रहता है, तो उसी कूबर में जो खाना जमा होता है उसी खाना को वो इस्तेमाल करता है अपने शरीर के मतलब ताकत को प्रदान करने के लिए, जिससे कि वो जिंदा रह सके। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है नेम सम एनिमल्स विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब आपको कुछ जानवरों के नाम बताने हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। वो कौन से जानवर हैं जो भाई दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जानवर हो के भी बहुत सारे जानवर हैं। तो मैंने कुछ जानवरों का नाम लिखा है, लायन, शेर, टाइगर, बाघ, लियोपार्ड, चीता, हाइना, लकर बग्घा, इटीसी इत्यादि, और भी बहुत सारे जानवर हैं। ये जानवर जो हैं इनका भोजन दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू फ्लेश ईटिंग एनिमल यूज टू टीयर द फ्लेश। मतलब मांस खाने वाले जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाने के लिए किसकी मदद लेते हैं या किस चीज़ की सहायता से वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया था, इसका आंसर में वही सारी बात है जो मैं आपको बताऊंगा। कहता है दे यूज देयर क्लोज एंड शार्प टीथ टू टीयर द फ्लेश। मतलब मांस खाने वाले जानवर दूसरे जानवरों का मांस चीरने के लिए, क्योंकि जब तक वो चीराएगा नहीं फिर तो वो आप खा नहीं पाएंगे, तो मांस चीरने के लिए वे अपने पंजों का और अपने नुकीले दांत का, जो दो ऊपर और दो नीचे होता है, जो निकला हुआ होता है, बहुत धारदार होता है, जो मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था, किताब में भी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे, नेम सम प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवरों का नाम बताइए जो पौधे खाते हैं या पौधे से जो उन्हें प्राप्त होता है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल हैं, फूल हैं, ये खाते हैं। बहुत जानवर हैं, जैसे कि काऊ, गाय, गॉट, बकरा, कैमल, ऊंट, हॉर्स, घोड़ा, इटीसी इत्यादि, बहुत जानवर हैं। जानवरों का से लिस्ट भर जाएगा, आप भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, डू प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव क्लॉज। क्या पौधे खाने वाले जानवरों के पास पंजे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आंसर भी वही है, नो, नहीं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैवंट क्लॉज। पौधे खाने वाले जानवर के पास पंजे नहीं होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, खुर होता है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, हालांकि वो 19 है। तो ये क्या है कि राइट द यूजेज ऑफ ट्रंक बाई एलिफेंट। मतलब हाथी के सूंड को आप ट्रंक कहते हैं, तो हाथी अपना सूंड का इस्तेमाल किन किन कामों में करता है वो आपको देखना है। तो क्या है, एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक, मतलब हाथी अपने सूंड का इस्तेमाल करता है टू ब्रेक लीव एंड ग्रास, मतलब पत्तियों को तोड़ने में, घासों को तोड़ने में जमीन से, एंड पुट देम इन इट्स माउथ, और अपने तोड़कर वो अपने मुंह में डाल लेता है, ठीक है। इसके अलावा
एन एलिफेंट ऑल्सो सक वाटर, सक मतलब चूसना, कि विद द हेल्प ऑफ ट्रंक, वो पानी भी जो पीता है वो सूंड के मदद से पीता है, सूंड से पानी को वो चूस लेता है। अब अगला क्वेश्चन है, राइट टू लाइन्स अबाउट ए जिराफ नेक, दो लाइन आप जिराफ के गर्दन के बारे में आप बताइए, क्या कहता है वो देख देखिए। ए जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है, ये आप जानते हैं। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग नेक ए जिराफ कैन ईट लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, मतलब अपनी लंबी गर्दन के मदद से जिराफ जो है लंबे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता है, क्योंकि वो इतना लंबा होता है, गर्दन भी इतनी लंबी होती है कि उसका गर्दन, उसका मुंह जो है वो पत्तियों के पास रहता है, वो आराम से मुंह आगे बढ़ा बढ़ा के खाता है। अगला क्वेश्चन है, नेम ए बर्ड्स विच हैव लॉन्ग नेक, एक चिड़िया का नाम बताइए जिसकी चोंच जो है वो लंबी है, सॉरी मैंने इसको नेक लिख दिया, वो बीक होना चाहिए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ इट्स बीक, उसके चोंच का क्या काम है। तो आपके चैप्टर में भी है, एक किंगफिशर हैव लॉन्ग बीक, एक किंगफिशर चिड़िया के पास लंबी चोंच होती है, इट यूज इट्स बीक टू कैच फिश, वह अपने चोंच का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के काम में करती है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। अच्छा, नेम सम एनिमल्स हैव हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है, हॉर्न मतलब सिंह और हॉर्न्स मतलब सिंह है, एक से ज़्यादा सिंह हो तो आपको कुछ ऐसे जानवर का नाम बताना है जिनके पास एक से ज़्यादा सिंह है या सिंघे हैं। कौन है, काऊ, गाय, गाय के दो सिंह होते हैं, डियर, हिरन, हिरन के भी दो सिंह होते हैं, बफेलो, बफेलो यानी भैंस, उसके भी दो सिंह होते हैं, गॉट, गॉट मतलब बकरा, उसके भी दो सिंह होते हैं, इटीसी, और भी बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। राइट अबाउट टोर्टोइज बॉडी कवरिंग, मतलब कछुआ के शरीर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो ढका हुआ होता है, उसके बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये उसका आंसर क्या है, ए टोर्टोइज हैज ए थिक बॉडी कवरिंग, कछुआ का जो शरीर का जो ऊपर का हिस्सा जो ढका होता है वो बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा। इट हाइड्स, यह अपने आप को छुपा लेता है, बेनेथ उसके नीचे, इट हाइड्स बेनेथ, वो उसके नीचे छुप जाता है। इट व्हेन देयर इज अ डेंजर, जब कोई खतरा होता है तो वो कछुआ जो है अपने आप को उसी मोटे परत के नीचे अपने आप को छुपा लेता है ताकि वो खतरा उस पर कोई हो ना पाए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन एनीवन टचेस एन इलेक्ट्रिक इल, इलेक्ट्रिक इल एक मछली का नाम है जो समुद्र में पाया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक इल मछली का नाम है वो जब आप छूते हैं तो आपको क्या होता है, तो आपको क्या होता है कि आपको बिजली का झटका लगता है। आंसर में भी यही है कि एन इलेक्ट्रिक इल गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन एनीवन टचेस इट, मतलब इलेक्ट्रिक इल जो है बिजली का झटका देती है जब उसे कोई छूता है। तो ये क्वेश्चंस थे, या आप फेयर बुक में आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, वीडियो बना के इसका डालेंगे लर्न किया हुआ, और जब आप फेयर करेंगे उसका भी आप पिक्चर को जो है वो ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, और कल इसके बाद हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, ठीक है, ओके बाय।